आज का हमारा टॉपिक है पिपलियो थ्योरी। पिपलियो थ्योरी में है ना, पिपलियो ने बताया कि किस तरीके से हम किसी पेशेंट और नर्स के बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना सकते हैं और किस तरीके से हम उनकी हेल्थ को और उनकी इलनेस को हम दूर कर सकते हैं। तो जो ये थ्योरी था, इसको दिया था हाइडेगर्ड ई पिपलियो के द्वारा, 1952 में दिया गया था। ये US में रहने वाली थी और इन्होंने मास्टर किया था साइकेट्रिक नर्सिंग में। दिस थ्योरी आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, इसको हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी दो लोगों के बीच में जो रिलेशन डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसको इस थ्योरी को हम और क्या बोलते हैं, साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि पिपलियो का मानना था कि जो ये थ्योरी है ये साइकेट्रिक नर्सिंग का फाउंडेशन के रूप में इसको उन्होंने देखा। फिर हम बात करते हैं पर्पस। इसका जो पर्पस है वो यही है कि जो पेशेंट्स होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, उनके अंदर जो क्यूरियस होती हैं अपने डिसीज़ को लेकर या फिर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पहचानना, आइडेंटिफाई करना और उसको प्रिवेंट करना। इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो उन्होंने कॉन्सेप्ट में बताया फेजेस ऑफ इंटरपर्सनल प्रोसेस। यानी कि पिपलियो का मानना था कि हम जो भी है ना पेशेंट आता है और जब वो मुझसे स्ट्रेंजर की तरह मिलते हैं तो पहले हमें एकदम से उसको मेडिकेशन नहीं देना है, ना ही उसका एकदम से टर्मिनेशन फेज पे यानी कि मेडिकेशन देना है, वाइटल देना है, उसको डिस्चार्ज करना है, ऐसा नहीं करना है। बल्कि उसको आइडेंटिफिकेशन करना है, पहले उसका डिसीज़ क्या है उसके बारे में हमें उसको जो भी उसको प्रोवाइड कराना है थेरेपी या फिर जो भी उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करना है उसको बताना है, उसके बाद हमें आगे कुछ शुरू करना है, आगे जो भी प्रोसेस है उसको शुरू करना है। सेकंड था, नर्सिंग इज़ अ थेरेप्यूटिक, इट्स अ हीलिंग आर्ट। यानी कि उन्होंने बताया जो नर्सिंग है वो थेरेप्यूटिक है, यानी कि उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दूसरों को हीलिंग जो है उसको बढ़ा सकते हैं। आपका जैसा बिहेवियर होगा उस तरीके से आप दूसरे पेशेंट से या फिर दूसरे इंडिविजुअल से उससे इंटरेक्ट कर पाएंगे, उस तरीके से उस पेशेंट से आप यू नो रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे और उसी तरीके से क्या करेगा, जो पेशेंट है आपको रिस्पॉन्ड करेगा वैसे वैसे। तो ये एक हीलिंग आर्ट है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट की डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं और उसकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। थर्ड है, नर्सिंग इज़ अ इंटरपर्सनल प्रोसेस। यानी कि इंटरपर्सनल प्रोसेस का मतलब ये दो लोगों के बीच में होने वाली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ये कोई इंट्रापर्सनल नहीं है, मतलब कोई हम अकेले नहीं कर सकते बल्कि दो या दो से अधिक लोग होते हैं उनके बीच में होती है। तो इसका मतलब है नर्सिंग इज अ इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी कि दो से अधिक लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है या फिर उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसको उन्होंने दर्शाया। फोर्थ है, सीरीज ऑफ स्टेप। यानी कि हम जब कोई भी पेशेंट आता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप उसका जो भी प्रोसीजर है वो करते हैं, ये नहीं कि सीधे उसको मेडिकेशन दिया और सीधे उसका बस वाइटल लिया और उसको डिस्चार्ज कर दिया, ऐसा नहीं करना है। बल्कि उसको स्टेप बाय स्टेप पहले ओरिएंटेशन फेस आएगा, फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसका जो भी प्रोसीजर है या जो भी उसको प्रोवाइड कराना है थेरेपी वगैरह वो देना है, एंड देन लास्ट में उसका टर्मिनेशन फेस आता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, उनको जो भी प्रोसीजर है जो भी उनको प्रोवाइड कराना है वो प्रोवाइड कराते हैं। लास्ट है, बोथ बिकम म्यूचुअल मैच्योर एंड नॉलेजेबल। यानी कि क्या होता है, जब एक पेशेंट आता है और जब वो डिस्चार्ज होता है, उन दोनों पेशेंट में या दोनों इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब वो आता है उसके अंदर नॉलेज की कमी होती है, उसके अंदर नॉलेज नहीं होती, खास साथ ही साथ क्या होता है उसके अंदर बहुत ही क्यूरियस होती है, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो वो आपसे जानना चाहता है ना। तो लेकिन जब वो जाता है तब क्या होता है, तब उसके अंदर नॉलेज होती है कि उसने जो भी हमारे द्वारा जो भी उसको नॉलेज दी गई या फिर जो भी उसको केयर प्रोवाइड की गई है ना, उसका एक जो भी आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, वो जो देखता है उससे बहुत कुछ सीखता है, नॉलेज लेता है, उसका जो भी लाइफस्टाइल होता है वो चेंज हो जाता है, हाँ उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, ये सब कुछ चेंज हो जाता है। तो जो क्या होता है वो दोनों मैच्योर होते हैं, यानी कि जो पेशेंट है वो तो मैच्योर हो ही रहा है, साथ ही साथ जो नर्स होती है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, मैच्योर या नॉलेजेबल होती है। जब वो किसी डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट से इंटरेक्ट करती है तो उनकी नॉलेज भी वो नर्स लेती है, साथ ही साथ क्या करते हैं जो उनका एक स्मॉल वर्ल्ड होता है, छोटी सी दुनिया होती है, उनके अंदर हम एंटर कर पाते हैं और उनसे काफ़ी सारी नॉलेज हम ले पाते हैं। तो ये थे कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं अजम्पशन के बारे में, यानी कौन कौन से ऐसे अजम्पशन थे जो पिपलियो ने बताया। पिपलियो ने बताया द काइंड ऑफ पर्सन द नर्स बिकम मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस इन व्हाट ईच पेशेंट विल लर्न एज ही रिसीव नर्सिंग केयर। यानी कि क्या जिस तरह का आप केयर प्रोवाइड करोगे, मान लीजिए दो नर्सेस हैं एक्स एंड वाई, जो एक्स नर्स है वो पेशेंट के साथ काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट कर पाती है, उन्हें अच्छे से नॉलेज दे रही है, हाँ उनके साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा है, जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा है, और जो सेकंड है जो वाई नर्स है वो क्या करती है, वो इरिटेट हो जाती है, वो उनको अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाती है, उसको
उनका ये है कि बस मेडिकेशन दो एंड वाइटल लो और अपने काम से काम रखो, उनका ये है। तो क्या होता है, इस तरीके से देखा जाता है, जैसा आप केयर प्रोवाइड करेंगे वैसे ही क्या होता है, आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है पेशेंट की तरफ से। पेशेंट आपके पास आएगा और उसी से वो इंटरेक्ट करता है जिससे जो आपसे, मतलब जो नर्सिंग स्टाफ या जो स्टाफ वहाँ पर है, जो आपसे अच्छे से पेश आएगा या फिर आपकी अच्छे से केयर प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड था हेल्पिंग द पेशेंट टू मूव पॉजिटिवली टुवर्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि क्या करना है, उनको जो पेशेंट है उनको एक पॉजिटिवली वे में आगे बढ़ाना है और उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको क्या करना है, डेवलपमेंट में हेल्प करना है। चाहे फिर आप उसके लिए जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो भी मॉडल्स हैं उनका यूज़ कीजिए, और क्या करना है, जो पेशेंट है उसके या इंडिविजुअल है उसकी जो भी पर्सनैलिटी है उसको इन्फ्लुएंस करना है और उसको डेवलपमेंट करने में हेल्प करना है। तो ये दो अजम्पशन थे। देन हम बात करते हैं फेजेस ऑफ प्रिपेयर थ्योरी। तो इसमें फोर फेजेस हैं। फर्स्ट वन इज द ओरिएंटेशन फेज, सेकंड वन इज द आइडेंटिफिकेशन फेज, थर्ड वन इज द एक्सप्लोरेशन फेज और वर्किंग फेज, एंड लास्ट वन इज द रिजोल्यूशन फेज। जो फर्स्ट फेज है दैट फॉर द ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज में क्या होता है, जब कोई पेशेंट आता है वो एक स्ट्रेंजर की तरह आता है आपके पास। हाँ, उसके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं अपनी डिसीज को लेके, वो थोड़ा डरा हुआ भी होता है, साथ ही साथ क्या होता है, वो अपनी प्रॉब्लम को क्या करता है, डिफाइन करता है इस फेज में, यानी कि आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिफाइन करेगा, बताएगा कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जो भी उसके अंदर क्वेश्चंस है वो आपसे पूछेगा, और उसका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, उसको भी वो क्या करेगा, आपके सामने रखेगा। इसमें क्या करना होता है, इसमें जो नर्स होती है वो क्या करती है, आपके जो नर्स है वो जो भी पेशेंट क्वेश्चन कर रहा है या जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है वो सुनेगी, रिस्पॉन्ड करेगी और उसको बताएगी कि किस तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगी, और आपको बताएगी कि डॉक्टर्स के राउंड्स कब होते हैं या फिर हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज हैं जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं, इन सब के बारे में बताती है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, ओरिएंटेशन फेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है वैल्यू, कल्चर, रेस, पास्ट एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन एंड प्री कंसीव्ड आइडिया। ये नर्स और पेशेंट दोनों के अंदर पाए जाते हैं। तो क्या होता है, जहाँ देखा जाता है कि नर्स और पेशेंट इनके अंदर जो मैच कुछ भी मैच कर रहा हो, चाहे वैल्यू हो या कल्चर हो, ये सब मैच करते हैं, इसका मतलब क्या है, उनका एक अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है। वहीं कहीं कहीं देखा जाता है कि जो पेशेंट और नर्स हैं उनके बीच में इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है वो नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, उनके कल्चर डिफरेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, बीच में आ रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, या तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके रिलेशनशिप को या फिर उनके जो रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन फेज के बारे में। आइडेंटिफिकेशन फेज क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन फेज में हम करते हैं रिस्पॉन्ड सेलेक्टिवली और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि पेशेंट क्या करता है, आइडेंटिफाई करने लगता है। मान लीजिए जब आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप फ्रेशर हैं, तो आप जब किसी हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर काफ़ी सारी नर्सिंग स्टाफ होगा, वहाँ पर कोई अटेंडर या पेशेंट आता है, वहाँ पर वो एक सेलेक्टिवली नर्स को चूज़ करता है कि मुझे, वो उनसे पूछता है कि कोई भी क्वेश्चन होगा या फिर वो पूछेगा कि मुझे मेरी मेडिकेशन कब लगेगी या फिर मेरा जो भी डॉक्टर का राउंड कब होगा, तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो उससे पूछेगा। क्यों, क्योंकि वो उसको केयर प्रोवाइड करती है, वो उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है, और आइडेंटिफाई करने के साथ वो क्या कर रहा है, उससे वो कनेक्ट कर पा रहा है, उसके साथ वो अपनेपन की भावना आ जाती है ना, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन फेज होता है इसके अंदर हम ये देखते हैं। थर्ड है हमारा एक्सप्लोरेशन फेज। एक्सप्लोरेशन फेज के अंदर क्या होता है, यानी कि वर्किंग फेज। इस फेज में क्या होता है, जो पेशेंट है वो क्या करता है, सारी की सारी सर्विसेज का लाभ उठाता है, साथ ही साथ वो क्या करता है, जो भी एडवांटेजेस है वो लेता है सारे के सारे। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं या फिर मान लीजिए किसी पेशेंट का थोड़ा डिपेंडेंट है। अब जो डिपेंडेंट पेशेंट होते हैं या फिर इंटरडिपेंडेंट पेशेंट होते हैं, इनको भी बांटा गया है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो फुली डिपेंडेंट होते हैं आपके ऊपर, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो पार्शली डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ पेशेंट होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देखते हैं कि जब कोई नर्सिंग स्टाफ किसी पेशेंट को, मान लीजिए उसका एक हाथ में, एक हैंड में इंजरी है, तो आप उसका सारा काम कर रहे हैं, तो पेशेंट थोड़ा इरिटेट हो जाता है, वो बोलता है कि नहीं, मुझे, मैं ये काम खुद कर सकता हूँ, है ना। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। पिपलियों ने बताया कि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और पेशेंट को इरिटेट नहीं होने देना है, और साथ ही साथ क्या करना है, उसके जो भी वर्किंग फेस है उसको अच्छे से प्रोवाइड कराना है। फोर्थ है हमारे रिजोल्यूशन फेज। रिजोल्यूशन फेज मतलब क्या होता है, आपने जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी रिजॉल्व कर दी हैं, अब जो टाइम आ गया है वो आ गया है टर्मिनेशन एंड, यानी कि डिस्चार्ज का टाइम आ चुका है पेशेंट का। तो देखा जाता है कि जो कि डिस्चार्ज का टाइम होता है, मान लीजिए कोई पेशेंट एक महीने या फिर काफ़ी लंबे समय तक एक हॉस्पिटल में स्टे करके गया है, तो एक कनेक्शन बन जाता है, कनेक्शन के साथ साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है, वो एक तोड़ना, यानी जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है उसको तोड़कर आगे बढ़ना और
अपनी लाइफ को आगे से कंटिन्यू करना, ये भी होता है। देखा जाता है कि जो नर्सिंग स्टाफ होती हैं या फिर नर्सिंग जो भी ऑफिसर हैं, वो देखा जाता है वो थोड़े सोचते हैं जब पेशेंट चला जाता है कि मे बी कि वो अपना ध्यान रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है, वो आगे से अपना डाइट ले रहा है कि नहीं ले रहा है सही से, तो ये सारी हमारे दिमाग में क्या आता है, माइंड में आती है सब बातें। देन हम बात करते हैं रोल ऑफ नर्स, यानी कि रोल ऑफ नर्स क्या क्या है। तो पिपलियो ने बताया कि एक स्ट्रेंजर रोल की तरह होता है, यानी कि जब कोई पेशेंट आता है तो हम स्ट्रेंजर होते हैं, तो ऐसा स्ट्रेंजर हम उससे मिलते हैं और उसकी सारी की सारी जो भी उसको मतलब उसके साथ एक रिलेशन डेवलप करने में हम आगे कुछ भी करते हैं, प्रोसीजर जो भी करते हैं, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, एक रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सेकंड देखते हैं ऐसा टीचर, यानी कि हम क्या करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी पेशेंट है उनको नॉलेज प्रोवाइड करना या फिर एजुकेशन प्रोवाइड करना। हाँ, तो ऐसा टीचर भी क्या करता है, एक रोल नर्स करती है, एक रोल ऑफ नर्स होता है। थर्ड देखते हैं रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है, यानी कि एक जो नर्स है वो एक रिसोर्स की तरह वर्क करती है, उसको काफ़ी सारी नॉलेज होती है, तो जब भी पेशेंट को कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई उसको क्वेश्चन होता है, तो वो क्या करता है, नर्स के पास आता है और अपने क्वेश्चंस को पूछता है और उसको आंसर मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक रिसोर्स की तरह वर्क करते हैं। फोर्थ वन आता है काउंसलर, हम काउंसलर की तरह वर्क करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है या फिर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको काउंसलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। फिफ्थ आता है लीडर, ऐसा लीडरशिप क्वालिटी हम देखते हैं कि जब हमें किसी गोल को अचीव करना है तो हमें एक लीडरशिप लीडर की तरह वर्क करना पड़ता है उस गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद आता है टेक्निकल एक्सपर्ट, जो हॉस्पिटल सेटिंग होती है उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको यूज़ करना हमें आना चाहिए और उसको हम यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, ऐसा टेक्निकल एक्सपर्ट वर्क करते हैं। लास्ट सेवन्थ आता है रिसर्चर, जो नर्स का जो रोल होता है वो एक रिसर्चर की तरह भी देखा गया है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च करना और उसको आगे कंटिन्यू करना। लास्ट में देखते हैं मीडिएटर, जो मीडिएटर होता है यानी कि नर्स और पेशेंट के बीच में जो मीडिएटर का काम करती है वो भी एक नर्स करती है। लास्ट में आता है मेटा पैराडाइम, मेटा पैराडाइम के अंदर देखा जाता है, पिप्लो ने बताया कि एक पर्सन का किस तरीके से होना चाहिए, एक इन्वायरमेंट किस तरीके से वर्क करता है या फिर एक हेल्थ कैसे होना चाहिए या नर्सिंग कैसे होना चाहिए, ये सब पिप्लो ने मेटा पैराडाइम में बताया। पर्सन का क्या था, पर्सन एक वो उन्होंने बताया कि पर्सन क्या है, पर्सन वर्क करता है, दिन और रात वर्क कर रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम से घिरा हुआ रहता है और अपनी जो एंजाइटी है या फियर है उसको रिड्यूस करने में क्या कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, अब उसको रिड्यूस करना चाहता है, तो उसको पर्सन बताया। इन्वायरमेंट पिपलियो ने क्या किया, पिपलियो ने इसमें पिपलियो थ्योरी में उन्होंने ज़्यादा कुछ इन्वायरमेंट के बारे में नहीं डिस्कस किया, बल्कि उन्होंने जो पर्सन या इंडिविजुअल का कल्चर था उसके बारे में बताया कि उनका कल्चर कैसा होता है और उसके साथ हमें कैसे कोप अप करना चाहिए। थर्ड उन्होंने बताया हेल्थ, हेल्थ क्या होती है, हेल्थ होती है यानी कि उनकी नज़र में हेल्थ था एक पॉजिटिवली पर्सनैलिटी, यानी कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर अपनी पर्सनैलिटी को ले जाना और आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करना। लास्ट में था नर्सिंग, नर्सिंग क्या है, नर्सिंग इज अ थेरापेटिक, जैसा कि उन्होंने बताया था, नर्सिंग इज अ थेरापेटिक, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर या फिर ऐसी प्रोफेशन जहाँ पर क्या करते हैं, हम दूसरों की हेल्प करते हैं और दूसरों को है ना प्रिवेंट जो डिसीज कॉज होती है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। तो आज हमने डील किया पिपलियो थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बोलते हैं और साइकोडायनेमिक थ्योरी बोलते हैं। हमने देखा कि इसको हिटगार्डी पिपलियो ने दिया था, हमने इसके पर्पस के बारे में बात की, कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, इसके बाद हमने इसके अजम्पशन देखे कि क्या क्या अजम्पशन होते हैं, इसके बाद हमने देखे कि क्या क्या फेजेस होते हैं, इसमें आता है ओरिएंटेशन फेज, आइडेंटिफिकेशन फेज, एक्सप्लोरेशन फेज एंड रिजोल्यूशन फेज, ये हमने डील किया। उसके बाद हमने देखा रोल ऑफ नर्स क्या क्या होते हैं, एंड देन उसके बाद में हमने पिपलियो के द्वारा मेटा पैराडाइम में जो पर्सन एनवायरमेंट हेल्थ और नर्सिंग के बारे में बताया गया था उसको डील किया। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, अगर आपके ऊपर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।